बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज की वीडियो में ना हम ऐसे स्क्रिप्ट देखते हैं जिनमें प्रॉफिट टेकिंग आपको ना मस्ट करनी चाहिए कल, और जैसे ही नीचे आए तो आप नीचे लेवल पे दोबारा बाय कर सकते हैं। तो पहले फिबिलिटी डेटा पे अगर नजर डालें ना, तो मेरा आज का जो सेक्टर है ना वो असल में है फूड सेक्टर। फूड सेक्टर के कुछ शेयर हैं जो मैं आपको बाय लेवल, उसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स, और दोबारा अगर नीचे आते हैं तो बाय लेवल्स आपको बताता हूँ, या जिससे अच्छी क्लोजिंग हो जाएगी। तो फीपी में उसको, फीपी ने आज बाय किया थोड़ा सा, या बिल्कुल माइन्यूट सा बाय किया, और बाकी सब ने सेलिंग की है। इंडिविजुअल ने बाय किया, बहुत खतरनाक साइन है ये। इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको बाय किया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम बाय किया। बाकी सब ने इसको सेलिंग किया, तो इंडिविजुअल हैवी मेजोरिटी में इसके अंदर बैठे हुए हैं आज के लिए। ये नहीं है कि इनको कोई लोअर लॉक पढ़ना शुरू हो जाएंगे या कुछ ऐसा सीन नहीं है, लेकिन ये प्रॉफिट टेकिंग मस्ट है जैसे ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेड को देखते हैं, ठीक है। ट्रेड क्या जो जो है ना, आखिरी घंटे में इसकी बाइंग आई है अच्छी खासी, लेकिन सेलिंग प्रेशर के साथ बंद हुआ, ठीक है। अब 2 आवर की कैंडल पे देखे हैं तो सेम बाइंग आई है और प्रॉफिट टेकिंग ऊपर की तरफ आई है, लेकिन थोड़ी सी ना। तो अगर डेली बेस पे देखे हैं तो डेली बेस पे इसको रेजिस्टेंस का सामना है 42.4 का। अच्छा, अब सीन ये है कि आपने इसको जैसे ही ऊपर आता है, ठीक है, 42.4 का रीजन, 6 का रीजन इसके लिए चैलेंजिंग है, 42.6 से लेकर फिर 1 रुपया और 43.6, ये रीजन इसके लिए चैलेंजिंग है। तो इस पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें। इसकी नीचे आता है तो आप 42.4 से अगर लेट्स सपोज ये 43.9 तक चला जाता है, नीचे आता है 42 पॉइंट, अगर ये 4 से ऊपर की क्लोजिंग दे जाता है, वेल एंड गुड, लाजमी बाय करें, ठीक है। नीचे आपको दोबारा मौका मिलेगा ना बाय करने का 42.4 से ऊपर। हाँ, क्लोजिंग इसको लेकिन 42.4 से ऊपर कल देनी ही देनी है। अगर ये नहीं देता तो फिर ये प्रेशर में ही रहेगा ना, तो अदरवाइज ये जो है ना आपको फिर नीचे वाले लेवल पे भी मिल जाएगा। तो 42.4 इसकी क्लोजिंग, और ऊपर वाले लेवल पे आप 43 से ऊपर जब मर्जी इसको सेल करके, 43.4 इसका वैसे अच्छा रीजन है, 42.4 और 43.4 या 43.9, ये इसके दो रीजन है। बहुत ज्यादा मैक्सिमम पीक पड़ गई तो 43.9 तक चला जाएगा, और ये 42.4 की क्लोजिंग देनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके पास यूनिटी। इंडिविजुअल्स मैंने पहले बता दिया, इंडिविजुअल इसके अंदर बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं, ठीक है। यूनिटी के अंदर, ट्रीट के अंदर भी यूनिटी, ट्रीट के अंदर भी, एफएफएल के अंदर भी बहुत ज्यादा इंडिविजुअल है। तो इसको आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है जैसे ही आपको ये 1 रुपया जैसे ही ऊपर आता है, तो 23.5 से लेकर 23.7 या 8 तक का रीजन जो है ना इसका रेजिस्टेंस का लेवल है। तो इसको जो है ना आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। हाँ, कल ये ऊपर जाता है और क्लोजिंग आके ये 23.3 की दे देता है, तो बहुत अच्छी क्लोजिंग हो जाएगी इसके लिए, और जो है ना बहुत अच्छी क्लोजिंग हो जाएगी, और आप जो है ना थोड़ा सिक्योर वे से खेल सकते हैं। तो यूनिटी के अंदर भी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा ऊपर वाली साइड पे, ट्रेड के अंदर भी बुक कर लीजिएगा। सिमिलरली एफएफएल या एएससी अगर ऊपर आते हैं तो एएससी का लेवल मैं आपको बता देता हूँ। एएससी का लेवल 12.86, जहां से आज ये बैक हुआ है, या यहां से बैक होगा, अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाता है तो 13.2 के पास जाके ना इसकी सेलिंग आएगी। तो लेकिन नीचे आप ले सकते हैं, ये नहीं कोई बुरा शेयर नहीं है, ये कोई भी इनमें से नीचे आप बाय कर सकते हैं, और क्लोजिंग मैंने आपको बता दी है, अगर ये इस लेवल की क्लोजिंग देते हैं तो आप लाजमी बाय करें इसको। और उसके बाद एफएफएल आ गया, एफएफएल का मैंने आपको बता दिया 10.4 उसका बस प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है, और 10.8 का प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है, इससे ऊपर की क्लोजिंग दे जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा। तो ये थे जी फूड के, और बेहतर है एवियन में भी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा पार्शल, और नेटसोल में भी पार्शल प्रॉफिट की टेकिंग कर लीजिए, 60% सेल आउट कर दीजिएगा, और टीआरजी में भी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ये मेरी तरफ से आपको आज पैगाम था, तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।